ट्राइब्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आज का जो वीडियो है दैट इज अबाउट रेस। हमें पता होना चाहिए कि अगर हम ट्राइब्स की बात कर रहे हैं कि तो इंडिया की जो ट्राइब्स हैं दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट रेस। अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग रेसेस जो हैं वो इंडिया में आई थी, माइग्रेट करी थी और वहीं से इंडिया में जितने भी ट्राइबल पीपल है, चाहे वो सेंट्रल पार्ट में है, चाहे वो सदर्न पार्ट में है, कहीं पे भी अगर ट्राइबल पीपल है तो वहीं से वो लोग ओरिजिनेट हुए हैं। तो ट्राइब्स के बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों को रेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को के हिसाब से रेस क्या है? रेस इज जस्ट अ ग्रुप, कुछ लोगों का वो एक ग्रुप है जिनके इनेट फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं और जिनका जो एक ज्योग्राफिकल एरिया को शेयर करते हैं, मतलब ऐसे लोग जिनके सेम करैक्टर है जो बर्थ से ही उनमें है। इनेट फिजिकल करैक्टर कौन से करैक्टर होते हैं? जो जन्म से हमें प्रेजेंट है, ऐसे करैक्टर्स जिनके साथ हमारा जन्म हुआ है। तो ऐसा ग्रुप लोगों का जिनके पास एक जैसे फिजिकल करैक्टर्स हैं और जो एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, सपोज जैसे वो हिल्स में रह रहे हैं या फिर वो पानी में कहीं पर रह रहे हैं, तो ऐसे जो लोग होंगे उनको हम रेस कहेंगे। देखो अगर हम शुरू से बात करें तो वी ऑल ह्यूमन बींग्स वी आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन रेस ओनली। एक ही तरह की कम्युनिटी रही होगी, ठीक है, उसमें कुछ एक ही तरह के बहुत सारे लोग रहे होंगे और वही लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे माइग्रेट किए हैं और वहीं से हम लोग बने हैं। तो अगर हम इनिशियल देखें तो इंटायर ह्यूमन बींग्स दे हैव वन ओरिजन और हम सब एक ही जगह से बने हैं, तो हमें किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन जो है उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर हम रेस की बात करें तो रेस अगर हम बोल रहे हैं कि एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह का हमारा ओरिजिन है, तो सब अलग अलग क्यों दिखते हैं? देखो एक तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, एवोल्यूशन है और इसमें बहुत टाइम लगता है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उन्होंने वो इफेक्ट करते हैं, जैसे क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, हैबिट, हैबिटेट, इन सब की वजह से जो लोग हैं उनकी अपीयरेंस में चेंजेस होते हैं। जैसे हिली एरियाज में जो लोग रहते हैं या फिर जो लोग नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं उनकी अपीयरेंस जो लोग नॉर्थ में रह रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट के जो लोग हैं उनसे टोटली डिफरेंट होती है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देयर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। और उसके अलावा जब एवोल्यूशन होता है तो कुछ और चेंजेस होते हैं, क्लाइमेट के चेंजेस तो होते ही होते हैं, साथ में हॉर्मोन्स में चेंज हो जाते हैं और कुछ म्यूटेशन हो जाते हैं। म्यूटेशन जो दे आर इधर सडन और धीरे धीरे जो चेंजेस हो जाते हैं, जो परमानेंट चेंज होते हैं, उनको हम म्यूटेशन बोलते हैं। और क्या होता है, माइग्रेशन होता है। जैसे हिल एरिया वाले लोग जो है वो रिवर में माइग्रेट कर गए, रिवर वाले लोग जो है वो हिली एरिया में माइग्रेट कर गए, तो उनकी माइग्रेशन की वजह से क्या हो जाता है, देयर इज अ रेशियल मिक्सचर। इधर के लोग अगर इधर रह रहे हैं, इधर के लोग इधर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर इज अ रेशियल मिक्सचर। तो उससे भी क्या होता है, जो नए करेक्टर्स हैं, जो नई रेस है वो बन के आ जाती है। तो क्या हमने इस स्लाइड में से याद रखना है कि रेस क्या है? रेस एक ग्रुप है जिसमें ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके फिजिकल करैक्टर्स भी सेम है और जिनका ज्योग्राफिकल एरिया भी सेम है। हम जो पूरे लोग हैं वो कहाँ से ओरिजिन हुए हैं, वो एक ही ग्रुप से हम बोल सकते हैं कि एक ही रेस से या एक ही ओरिजिन से हम सब लोग बने हैं। डिफरेंट चेंजेस क्यों हैं? क्लाइमेट की वजह से हो सकते हैं, हार्मोन की वजह से, म्यूटेशंस दे आर द वेरी बिग एंड इंपॉर्टेंट रीजन, फिर माइग्रेशन, माइग्रेशन की वजह से रेशियल मिक्सचर होता है और फिर वो लोग जो हैं डिफरेंट डिफरेंट अपीयरेंस के हमें दिखने लगते हैं। अगर हम फर्स्ट माइग्रेशन की बात करें तो क्योंकि हम इंडिया की बात करें तो हम बस इंडिया तक ही देखेंगे कि अफ्रीका से हम लोग मानते हैं कि कुछ लोग जो है वो माइग्रेट करें थे फर्स्ट टाइम टुवर्ड्स द एशिया। और इंडिया में सबसे पहले जो रेस आई थी देवर नेग्रिटोस, देवर नेग्रिटोस सबसे पहले जो लोग अफ्रीका से मूव करे थे। ये लोग, इन लोगों ने मूव करना क्यों शुरू किया था? जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। कुछ यूरोप चले गए थे, कुछ एशिया आ गए थे, कुछ मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो जगह है वहाँ पे इन लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया था। तो इंडिया में जो लोग सबसे पहले आए थे देवर नेग्रिटोस, नेग्रिटोस जो आए उसके बाद हमारे पास आए प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड्स, उसके बाद बोंगोलॉयड्स, उसके बाद मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियंस ये लास्ट थे और सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर हम देखें तो मेडिटेरेनियंस का ही हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर दिखता है। नेग्रिटोस जो आए थे सबसे पहले जो आए थे ये केरला में आए थे और केरला की हिल्स में आके रहना लोगों ने शुरू कर दिया था। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि कौन कहाँ पे आया था, कहाँ पे रहना शुरू कर दिया, और ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि नेग्रिटोस के जैसे हमारे कुछ स्टेट में लोग हैं, प्रोटोस्टोलॉयड जैसे कुछ लोग हैं, मंगोलॉयड जैसे लोग भी हमारी स्टेट में होते हैं और मेडिटेरेनियन जैसे भी मिलते जुलते लोग हैं। उससे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेस, रेस की डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन। जैसे हमने बोला था कि वी ऑल आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन ग्रुप ओनली, बट देयर आर सर्टेन चेंजेस इन द अपीयरेंसेस, करेक्टर्स में कुछ फर्क है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक हार्मोनल चेंज, जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, इन सब चीज़ों की वजह से करेक्टर्स में फ़र्क जो है, तो उस अपीयरेंस के बेस पे हम लोगों ने इनको पढ़ने के लिए, हमारी इजीनेस के लिए डिफरेंट कैटेगरीज में डाल दिया गया।
नंबर वन इज ब्लैक, जो बहुत ज्यादा ब्लैक होते हैं, जिनका कम्प्लेक्शन डार्क होता है, दे आर नेग्रिटोस। ये निग्रोस के कुछ जैसे होते हैं, जैसे निग्रोस होते हैं, दे आर नेग्रिटोस। नेक्स्ट आर द व्हाइट कलर, जो व्हाइट कलर वाले होते हैं, दे आर कॉल्ड एज कोकोसोइड्स। और इंटरमीडिएट जो रहेंगे, ब्लैक और व्हाइट दोनों के इंटरमीडिएट जो रहेंगे, दे आर मंगोलॉइड। तो हमारे पास सबसे पहले आए थे नेग्रिटोस, उसके बाद जो आए थे प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, दे आर सपोज टू बी द ओल्डेस्ट ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ, वो आए। और उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे कौन आए थे, मंगोलॉइड्स आए थे। आयु कलर पे मतलब बहुत सारे फीचर हैं, सिफेलिक इंडेक्स है, नोज की ब्रॉडनेस के बेस के ऊपर है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक हाइट के बेस के ऊपर है। हमने डिफरेंट डिफरेंट इनको क्लासेस में डाल दिया, यहाँ मैंने दो तीन दे रखे हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इट इज नथिंग जस्ट अ क्लासिफिकेशन ऑन अ बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपियरेंस, कि हम इनको ईजी तरीके से पढ़ सकें। कि अगर हम बात करें नेग्रिटोस की, तो आप समझ जाओ कौन से क्लासिफिकेशन फीचर के जो लोग हैं उनकी बात हो रही है। ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ आईज, देयर आर नेग्रिटोज अगेन, ठीक है, दे हैव ब्लैक ब्राउन टू ब्राउन कलर ऑफ देयर आईज, देन मंगोलॉयड, दे हैव ब्राउन टू डार्क ब्राउन कलर ऑफ देयर आईज, देन वी हैव कोकोसोइड्स, दे हैव लाइट ब्लू टू डार्क ब्राउन कलर ऑफ देयर आईज। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ हेयर, लाइक कर्ली हेयर, वेवी हेयर, स्ट्रेट हेयर, वी आर डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज। सो अब एक एक करके हम इनको थोड़ा आराम से समझेंगे कि नेग्रिटोज क्या थे, इनकी क्या करेक्टर्स है। देखो, इनकी बॉडी जो होती है वो थोड़ी स्मॉल होती है, स्किन डार्क कलर की होती है, और बहुत टाइटली इनके जो हेयर्स होते हैं, ये देखो, ये देख रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा टाइटली जो है इनके हेयर्स हैं। सबसे पहले यही लोग इंडिया में आए थे, ये सेलुलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो स्टडीज़ हैं वहाँ से। तो दे वर द ओनली फर्स्ट ह्यूमन बींग्स टू कम ओवर द इंडिया। कब आए थे, 65,000 ईयर्स पहले आए थे। और सबसे पहले आके इन लोगों ने क्या किया, जब ये लोग अफ्रीका से चले थे, तो ये लोग आके कहाँ पहुँचे, केरला में पहुँचे। और केरला में आके इन लोगों ने हिल्स में अपनी जो कॉलोनीज हैं, या फिर हिल्स में हम बोलें कि ये लोग वहाँ पे एस्टेब्लिश हो गए। बहुत सारे इंडियन स्टेट जो केरला के लोग हैं वो रिजेंबल करते हैं पीपल ऑफ नेग्रिटोस। इनकी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, ये देखो हम क्लियरली देख सकते हैं, दे आर द नेग्रिटोस पीपल और दीज आर द लोकल ट्राइबल लोकल्स ऑफ केरला। तो ये एकदम से उनसे रिजेंबल करते हैं। इवन देर इज अ ट्राइब कोल्ड सेंटिनलीज, और इस ट्राइब के जो लोग हैं दे आर ऑल्सो सपोज टू बी द बिलोंगिंग्स ऑफ नेग्रिटोस। और सेंटिनलीज के बारे में तो हम जानते हैं कि दिस इज अ ट्राइब जो बहुत आइसोलेटेड रहती है, इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई इनके यहाँ जाए, इनकी कम्युनिटी को तंग करे। एंड दे आर ऑल्सो सपोज टू बी लिव इन द स्टोन एज येट, बिकॉज इनके पास कुछ डेवलपमेंट नहीं है, इनके पास कोई चीज़ें नहीं है, तो हो सकता है कि पता नहीं कौन सी एज में ये लोग अभी भी रह रहे हो। दिस इज अ थ्योरी फॉर द इंटायर, अगर आप लोगों को चाहिए फॉर द थ्योरी पर्पज, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन ऑल्सो विजिट दिस साइट। यहीं से मैंने ये जो डाटा है वो लिया है, तो आप इस साइट को भी विजिट कर सकते हो, लिंक मैंने ये देखो नीचे मैंशन कर रखा है। नाउ आफ्टर नेग्रिटोस, जो दूसरी कम्युनिटी, जो दूसरी रेस हमारे पास आई थी, देवर प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स हम मानते हैं कि ये बहुत पुराने, बहुत ही ज़्यादा अर्ली ह्यूमंस हैं, आकर ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया में बस गए थे। जो नेग्रिटोज आए थे वो कहाँ थे, देवर इन द सदर्न पार्ट, ठीक है, वो साउथ में आके बस गए थे। और जो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है, इन लोगों ने कौन सा एरिया अपनाया, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल पार्ट में जाके ये रहने लगे। लाइक जो आज की जो कम्युनिटी है, भील कम्युनिटी, गोंड कम्युनिटी, मुंडा, संथाल, ये जो लोग हैं, इनकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मिलती है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स के साथ। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो लोग हैं, दे आर द ओल्डेस्ट नॉन सिविलाइजेशन ऑन द अर्थ। कितने पुराने हैं ये, 75,000 पुराने हैं। इनके कुछ करैक्टरिस्टिक फीचर हैं, दैट इज डोलीसेफेलिक हेड, कुछ ब्रॉड जो हेड होता है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा बॉडी हेयर्स, ऐसे इनके कुछ करैक्टर्स हैं। एंड दे आर फाउंड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। फॉर द थ्योरी पर्पज यू कैन टेक स्क्रीन शॉट। नाउ देयर आर मंगोलॉइड्स। व्हाट आर मंगोलॉइड्स, दे आर ट्राइब्स, जैसे चाइना में कुछ लोग होते हैं, कोरियन लोग होते हैं, तो दे आर ट्राइब्स विच आर बिलोंगिंग टू द रीजन ऑफ चाइना, कोरिया एंड जापान। इनके स्ट्रेट हेयर्स होते हैं, वाइड नोस्ट्रिल होती है, स्ट्रेट नोज होता है, ऐसा कुछ करेक्टर है। ऐसे जो लोग हैं, दे आर एस्टेब्लिश्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। और ये आए भी कहाँ से थे, फ्रॉम द पासिस ऑफ नदरन एंड ईस्टर्न रेंजेस। ये जो रेस है, इनके लोगों को हम लैप्चा भी बोलते हैं, जिसमें इंडियन स्टेट सिक्किम और नेपाल के जो इंडिजिनस पीपल है वो आते हैं। इसके अलावा लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में हमें ऐसे लोग जो हैं वो मिल जाते हैं। वी कैन क्लियरली सी इन द फोटोग्राफ दैट हाउ इंडियन पीपल दे आर रिजेंबलिंग दीज मंगोलॉइड्स। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ थ्योरी।
नाउ लास्ट वन दे आर द मेडिटेरेनियन, सबसे लास्ट में यही आए थे, इनको हमने तीन में डिवाइड कर दिया, पेलियो मेडिटेरेनियन, ओरिएंटल मेडिटेरेनियन में ये लोग सबसे लास्ट में आए थे। जो पेलियो मेडिटेरेनियन है जो आए थे, इन्होंने आके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये लोग आके एस्टैब्लिश हो गए थे। और जो मेडिटेरेनियन है, दे आर सपोज टू बी द बिल्डर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इंडिया में ट्राइबल्स की शुरुआत कैसे हुई थी, कौन से ट्राइब्स आए थे, कौन से आके साउथ में किन्होंने रहना शुरू किया था, कौन सेंट्रल में आए थे। और वहाँ से हम फिर आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सी ट्राइब्स हैं जो गुजरात और राजस्थान से फिर मूव कर गई टुवर्ड्स जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल। तो ऐसे जो अदर मूवमेंट होती गई, तो ये ट्राइबल पीपल जो हैं, जो ये इंटायर ऑफ द कंट्री में चले गए।